अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कराची किंग ने पीएसएल 2022 के लिए नया कप्तान अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, कराची किंग का अब नया कप्तान कौन होगा, हम आपको सब इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को लास्ट जरूर वॉच करिएगा और हमारे चैनल स्टोरी ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आने वाली हर क्रिकेट की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कराची किंग ने पीएसएल 2022 के लिए अपने नए कप्तान का अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम, जो कि कराची किंग के 5 सीजनों से कराची किंग के साथ हैं, अब वो कराची किंग के कप्तान बन गए हैं। दोस्तों, आपको पता चले कि बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, अब वो कराची किंग के भी कप्तान बन गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कराची किंग कप्तान इमराज वसीम थे, जो कि कराची किंग को 2020 में चैंपियन भी बनाया, अब वो कराची किंग के कप्तान नहीं होंगे। अब पीएसएल 2022 में कराची किंग की तरफ से कप्तान बाबर आजम होंगे। तो दोस्तों, ये थी कराची किंग के लिए फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, जो कि कराची किंग ने अपने नया कप्तान बाबर आजम को बना दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आने वाली हर क्रिकेट की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।